बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जालिनोज अपने अहद का नहायत जलीलुल कदर और नामवर तबीब था। फने तिब के इन 8 इमामों में इसका भी शुमार होता था, जिन्होंने इल्म तिब को तरक्की देने में सख्त कोशिशें की। वो अपने वतन गैमूस में मजरूहीन का सर्जन मुकर्रर किया गया था। इत्तबा कदीम में ये सबसे ज़्यादा आलिम था। इसने इल्म तिब को भी बहुत फ़रोग दिया। तकरीबन 400 किताबें इसकी तसनीफ में शुमार की जाती हैं। 70 साल की उम्र में मर्ज़े इस हाल से इसकी वफात हुई। एक मरतबा इसके पास एक मरीज़ आया जिसकी गर्दन में गिल्टी निकल आई थी। किसी जराह ने इसे निकाल दिया, जिसे गिल्टी तो ठीक हो गई लेकिन आवाज़ बैठ गई और भूख भी बंद हो गई। जालिनोस ने अच्छी तरह मुआयना किया और गर्दन में कुछ गर्म दवाओं का लेप कर लिया, जिससे चंद दिनों में मरीज ठीक हो गया। जालिनोस ने इसकी वजह बताई कि गर्दन के करीबी असाब में सर्दी का असर पहुंच गया था, इसलिए आवाज़ बैठ गई थी। गर्मी के पहुंचने से ये असर दूर हो गया और आवाज़ ठीक हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की दीगर इस्लामिक इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जहाँ रहे खुश व खुर्रम। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब।